खिदमत करें तो हो सकता है लोग आपको दोबारा अपने सर का ताज बना लें। नुसरत भाई साहब, इदारे अदालतें आप जाएं उनके पास और आपकी जो भी यानी कि शिकायत हैं, तहफ़ुज़ात हैं, जो इल्ज़ाम हैं, आप अपने आप को वहीं प्रूफ करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, असेंबली के अंदर रहकर तनकीद करें, अपोजिशन का किरदार अदा करें, क्या कहेंगी इस पर? अवाम ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, अवाम ने हमारी पजीराई की है, इस तरह पजीराई की है कि कोई सोच नहीं सकता था, किसी काम ख्याल भी नहीं था, इसीलिए तो 545 तक सारे सोए रहे। उनका ख्याल था कि ये इनको कौन वोट देगा, इनका तो लीडर अंदर बंद है, इनका तो कोई है ही नहीं जो ऑर्गेनाइज करे पार्टी को। लेकिन आप जो कहते हैं ना, एक आपका प्लान होता है और एक अल्लाह का प्लान होता है। अल्लाह का प्लान जब इनको नजर आया तो इनके हाथों में तोते उड़ गए। फौरन जो शुरू हुआ है वो वहां से लेके वहां तक जी सारे फॉर्म 45 को चेंज किया जा रहा है जी, फॉर्म 47 आ रहा है और हुकूमत बन गई। क्या बात है जी, हमारे सारे लीडर्स को अंदर बंद कर दें, उसके बाद कहेंगे जी लीडरशिप की कोई वो ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, लीडरशिप कुछ कर ही नहीं रही। तो आप अपने लोगों को बंद करें, अपना निशान वापस दें, सब कुछ करें और उसके बाद भाई साहब ब्रेक का टाइम हो गया, कमर्शियल ब्रेक का। डिप्टी स्पीकर साहब।